आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय से कोरोना टीकाकरण प्रसार रथ को कलेक्टर सचिन श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां जिले के मानपुर एवं करकेली विकास खंडों में स्वयंसेवी संस्था संगठनों द्वारा संचालित ये प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। वही इस अवसर पर कलेक्टर सचिन श्रीवास्तव एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के मेहरा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सी पी शाक्य एवं वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार द्विवेदी सहित अन्य समाज सेवीगण उपस्थित रहे एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने और कोविड का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। वही टीकाकरण जागरूकता रथ के शाम बांधवगढ़ विधायक श्री नारायण सिंह एवं करकेली जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर के मंडावी सहित समाज सेवी संतोष कुमार द्विवेदी ने आकाशकोट के अमरी, किंजरी एवं निगरही जैसे अन्य ग्रामों में जाकर लोगों को जागरूक किया। वही क्षेत्रीय विधायक शिव नारायण सिंह एवं जनपद पंचायत सीईओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सावधानी और जागरूकता ही कोरोना से बचाव का कारगर उपाय है, इसीलिए सभी लोग नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं, मास्क लगाएं एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोरोना का टीका लगवाएं। और पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा उषा एवं एनएम से मिलकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। कोविड का टीका जान बचाने के लिए है, टीका लगने से ही कोरोना जैसी महामारी को हम हराएंगे। वही उमरिया पीटीएस में निरीक्षण के पद पर पदस्थ सुंदरलाल मांझी कोरोना जंग जीत कर आए हैं, जहां उन्होंने जिले वासियों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कहना है यदि हम स्वस्थ हैं तो हम अपने परिवार को, समाज को, अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। वो तभी होगा जब हम वैक्सीनेशन करवाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। दूसरी लहर आई, कोई जान पाए दूसरी लहर इतनी ताकतफुल होगी? तीसरी लहर कब आ जाएगी कोई जान, कोई नहीं, कोई जानता है? ये बीमारी बंद नहीं होने वाली, पता नहीं कितनों को लेके जाएगी, अभी कोई इसका ठिकाना नहीं। हम सबको बताना है लोगों को कि अपनी सुरक्षा के लिए हमको वैक्सीनेशन लग कराना है, परिवार के लिए कराना है, समाज के लिए कराना है। इसलिए हम सब आगे निवेदन करने आए हैं, 4-5 पंचायतों के समूह बैठक किए हैं और नेक्स्ट में जब भी आएंगे पंचायत सह आएंगे। लेकिन पंचायत सह में क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, तैयारी बहुत सारी आपको करनी होगी। एक तो संकट समिति में आप लोगों ने सरकारी कुछ सदस्य मिलकर समिति बनाए होंगे, सरपंच होगा, सरपंच है बस। मेरा ही आग्रह निवेदन है, इस लड़ाई में भाजपा और कांग्रेस मत देखिए, इस लड़ाई में भाजपा और कांग्रेस मत देखिए, जनता का जीवन देखिए। मेरा कहने का मतलब यह है इसमें सारे लोगों को लेना है, ऐसे वरिष्ठ लोगों को लेना, जैसे हमारे मनोहर भाई है, अधीन के कहने से 100 लोग निकल रहे हैं, जिनको भी समिति में रखिए। जो समुदाय के समाज के लोग मुकदमी करते हैं, मुखियाना करते हैं, ऐसे लोगों को रखना जिनकी बात से वो लोग निकल आए, ऐसे लोग को समाज के प्रतिनिधित्व को समिति में रखना है। 10 जने हो जाए चाहे 20 जने हो जाए उसका मतलब नहीं है। हमको कोरोना को हराना ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, मस्तिष्क में होना चाहिए, हमको कैसे लोगों को वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जिससे हमारा गांव और हमारा समाज, हमारा परिवार सुरक्षित हो जाए, इस बात की हमको चिंता करनी होगी। तो इसके साथ ही जो वैक्सीन है वो 45 साल की उम्र के लोगों को भी लगाई जा रही है और 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग को भी लगाई जा रही है। इन सबको सभी को लगवाना है क्योंकि वैक्सीन ही हमको तीसरी लहर से बचाएगी, यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि वैक्सीनेशन अवश्य। अपना के टीका लग गा? हाँ, हमारे लग गा टीका। कब है लगो है, कै रोज पहले? तारीख बता दे। अबे दूसरा डोज नहीं लगो ना? नहीं लगो। गांव में बाकी लोग काहे नहीं लगवा में ठीक है? काहे का मारा के मर जा टीका लगवा। अरे तो अपना बताई नहीं कि देखा हम टीका लगवा के जिंदा हैं। ग्राम पंचायत कठार और विकास खंड मानपुर से हूँ। जो अपना ये जागरूकता रथ है ये माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और गांव में जाकर जितने भी बूथ हैं वहां जाकर हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को कोरोना का जो वैक्सीन है, टीकाकरण जो लग रहा है, उस पर हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो भी ये
भ्रांतियां हैं वो गलत है, आप सभी लोग चलकर और जा टीका लगा। आज उमरिया जिले के मां सम्मानी कलेक्टर महोदय ने वैक्सीन रथ को हरी झंडी दिखाकर गांव गांव के लिए रवाना किया है। इस जागरूकता और इस प्रयास के लिए उनको मैं बहुत साधुवाद देती हूँ और उमरिया जिले की आम जनता से निवेदन करती हूँ कि ये वैक्सीन जरूर लगवाएं, डरने का विषय नहीं है। इससे आपकी जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो बढ़ेगी और किसी भी प्रकार के अपभ्रंश या भ्रमित बहकावे में ना आए, ये जो है प्रमाणित है और इसको लगवाना बहुत जरूरी है और कोरोना नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन। हमारे वर्ल्ड का ये कोविड-19 टीकाकरण सबसे बड़ा अभियान है और इसमें हमें पूरे देश और प्रदेश और जिले के सभी लोगों को सुरक्षित रखना है। टीकाकरण जनवरी से अभियान चल रहा है लेकिन अभी कुछ समय से ये देखने में आया है कि कहीं ना कहीं गांव के अंदर, समाज के अंदर रूमर्स फैले हैं, ऐसी भ्रांतियां फैली हैं कि कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो गए और टीकाकरण में रुचि कम ले रहे हैं। इसलिए सरकार भी चाहती है, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पत्रकार साथी हैं, एनजीओ वाले हैं और जनप्रतिनिधि हैं, ये सभी इसमें लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। लोगों को बताना जरूरी है कि ये टीका कितना महत्वपूर्ण है और इससे दो टीके लगने से जान को कितना हम सुरक्षित रख पाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए टीकाकरण जागरूकता अभियान, टीकाकरण रथ ये चलाए जा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो सके और वो इस बात को समझ सकें कि कोरोना से बचाव के लिए दो टीके लगवाना बहुत जरूरी। जो हमारे एनजीओ के साथी हैं उन्होंने जिससे पूरा प्रयास किया है जिससे हमारे जिले में टीकाकरण कोविड के विरुद्ध जो हम टीकाकरण करने जा रहे हैं उसकी उपलब्धि अच्छी हो, लोगों में जन जागरूकता पहले एक, इसलिए हमारे कलेक्टर महोदय के प्रयासों के द्वारा सब लोगों से समन्वय स्थापित करके आज ये दो रथ हमारे जिले को कवर करेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ पर टीकों का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण करवाएँ। जैसे अभी वर्तमान में जब से हमारा टीकाकरण चालू हुआ है लोगों ने अच्छा सहयोग दिया है और ये रथ हमें प्रयास करेगा कि हमारा टीकाकरण और अच्छा हो, लोगों में जागरूकता पहले, मन में जो भ्रांतियाँ उनको दूर करें और लोगों को समझा कर ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास सराहनीय है। हमारे जैसे जिले में सभी लोग मिलकर जो कर रहे हैं टीका के लिए तो बहुत ही अच्छा है और हमें विश्वास है कि हम टीकाकरण में अच्छी उपलब्ध। वैक्सीनेशन को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर अफवाह फैली हुई है और लोग कोरोना टीकाकरण से बच रहे हैं, इसलिए सामाजिक संस्थाओं ने यह तय किया है, खास करके ये मानव जीवन विकास प्रशिक्षण केंद्र, एकता परिषद, मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल, दस्तक परियोजना, जेनिथ यूथ फाउंडेशन, ये सब एनजीओज हैं, सामाजिक संगठन हैं जो लोगों के बीच में काम करते हैं और उन्होंने तय किया है कि वो लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि टीकाकरण वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का सबसे सशक्त माध्यम है, इसलिए लोग आगे आएं और वैक्सीनेशन कराएं। मेरा नाम सुंदरलाल माझी, मैं पीटीएस उमरिया में निरीक्षक के पद में पदस्थ हूँ। सन 2017 में जब मैं थाना प्रभारी इंदवार था तो वहाँ से मेरा तबियत खराब हो गया था तो वहाँ से मैं पीटीएस उमरिया करा लिया था। तो 2018 जांच में मेरे कैंसर निकलने पर 2018 में दाहिने बाएं फेफड़ा का ऑपरेशन करके निकाल दिया गया, फिर वो दाहिने किडनी में भी कैंसर होने से सन 2019 में किडनी को ऑपरेशन करके निकाल दिया गया, फिर जांच में गला भी कैंसर है और दाहिने फेफड़े जो बच्चा है उसमें दो ट्यूमर है। 11 मई 2021 को कोविड-19 पॉजिटिव आ गया, इसका इलाज मैं डॉक्टर गंगेश टानिया शहडोल जिला अस्पताल से करवा रहा था, दवाई से अब मैं 26 मई को निगेटिव आ गया हूँ और स्वस्थ हूँ। अस्पताल के तो डॉक्टर द्वारा जो बताया गया था वही एक्सरसाइज लगातार करते रहेगा, उससे कम नहीं हुआ। ऐसे महामारी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, यही मेरी सबसे
वैक्सीनेशन पर। आदरणीय कलेक्टर साहब उमरिया जो है हरी झंडी दिखा करके इसको विदा किए और ये उमरिया जिले के सभी टीकाकरण तक पहुंची, जिससे खास करके हमारा ये जिला जो है टीकाकरण के मामले में पिछड़ा था और जन जागरूकता कम थी, लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, हम उसको दूर करें और लोगों तक पहुंचकर उनको प्रेरणा दी है कि भाई टीकाकरण करवाना है, दूरी बनाना है, मास्क लगाना है और साबुन से हाथ धोना है। इस तरह की कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका हम सब पालन करें और एक होकर के उमरिया को कोरोना मुक्त बनाएं। की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम मानव है, भगवान नहीं है, इसलिए हमको बचाव करना है और कोविड की इस लड़ाई में वैक्सीनेशन ही एक हथियार है, दूरी बनाना, मास्क लगाना यही हथियार है, हम सब बनाए लगाए और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये अफवाह जिस तरह की फैली है, सब भ्रांतियां हैं, निरर्थक हैं, इससे बचें और अपना स्वयं का और परिवार की सुरक्षा करें।